हेलो शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। अच्छा मैं बहुआ एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। एक हेलो एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है। किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा कटरीना से? छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? कैसे? कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के देगी तेरे। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन में? बुल्ला ये सुनो, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला में अबे खुल्ला नहीं है गला जादुई। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था, जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ, तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे। कितना नहीं बोलता है, पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास है, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुल्ले दे दियो बस। ये सुन एक बार, मेरा नाम है बुल्ला। हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन बात कर रहा है? बिजी लग रहे हो क्या? कौन बात कर रहा है? जी बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था आप बात तो कर सकते हो ना? हाँ जल्दी बोलना है। जल्दी, सॉरी, मैं कह रहा था ना परेशान हो गया हूँ। अच्छा किस बात से? घर वालों से यार। अच्छा। कंजूस पने की हद कर दिया है सब लोग, मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ के तो हैं, नाना जी की तरफ के भी सारे कंजूस हैं। तो भाई मेरे को क्या लेना देना? एक सेकेंड रुक जाना यार, तू सुन की फितरत तो सुन ले, लेना देना कुछ नहीं, समझ तो ले कैसे टाइप के लोग हैं जिंदगी में। हाँ तो बोला। एक सेकेंड रुको, मेरे पापा कल मेरे को 2 चपेट मारी उनने। अच्छा घंटा? अच्छा पूछ तो काय को मारी? सॉरी, उन्होंने मेरे को बोला कि एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी। कंजूस है, कहते हैं एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ चप्पल कम घिसेगी। मैं 4-4 सीढ़ी चढ़ा, उन्होंने थपेड़ मार दी, उस चक्कर में पजामा फट गया, उसका अलग खर्चा। सुन तो, मेरे चाचा जी केला खरीदने गए। अच्छा घंटा? अच्छा बात तो सुन ले पूरा। अच्छा अच्छा बोल रहा, केला खरीदने गए, केले वाले से पूछा कितने का? केले वाले ने बोला 3 रुपए का। अच्छा। चाचा जी ने बोला कि 1 रुपए का दे दो। कहते 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा। पता है चाचा जी ने क्या किया? फटाक से 2 रुपए पकड़ाया, बोले छिलका रख ला केला दे दे। मेरे फूफा जी एंटीना बना रहे थे ऊपर छत पे, नीचे गिर गए। अच्छा घंटा? अच्छा अच्छा बोल रहे। गिरते हुए जब वो खिड़की के बगल से गुजरे ना, तो बुआ जी खाना बना रही थी, गिरते हुए उनसे बोला आज मैं गिर जाऊंगा, मेरी रोटी मत बनाइयो। गंदा मत बोल। मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से। अच्छा घंटा? अच्छा किसी का हाथ कट रहा? तू अच्छा बोल रहा है। अब रिएक्ट कर रहा हूं एक सेकंड, रिएक्ट कर रहा है। मौसी ने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काट रहे हो? कहते हैं डेटॉल की बोतल फूट गई है, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इसको काट के इसी पे लगा। क्या कर रहा है? मेरे दादाजी टूथब्रश लेने गए, दुकानदार से बोला ब्रश दे दो, मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है। एक बाल टूट गया तो पूरा ब्रश लेने की? यही बात दुकान वाले ने भी बोली। हाँ तो फिर उसने क्या बोला? उसने नहीं, उन्होंने, दादाजी हैं औकात में रहे, दादाजी की तू आगे। तो दादाजी से उसने बोला एक ब्रश की वजह से, दादाजी ने बोला वही आखिरी बाल था ना ब्रश का, तू खरीदना ही पड़ेगा। मेरे नाना जी मरने वाले थे, मेरे नाना जी आखिरी समय में उन्होंने आँख खोली, नानी जी से बोला कि बेटा कहाँ है? नानी जी बोले ये बगल में खड़ा है। कहते बहू कहाँ है? बोलती ये देख बगल में खड़ी है। बोलते पोता पोती कहते हैं बगल में खड़े हैं। वो कहते जब सब यहाँ है तो तालियों से स्वागत किया जाए।
कौन बोल रहा है भाई? नमस्ते अंकल, मैं बहुआ मैया हूँ। नमस्ते, कौन बहुआ? आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है। बर्थडे अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन। अच्छा भाई, क्या करूँ, बर्थडे है तो। नहीं, हम एक कॉन्टेस्ट खेल दे जहाँ आपको पैसे जीतने का मौका मिलेंगे। हाँ बोल भाई। अगर खेलना चाहते हैं? हाँ। तो एक दबाएं। अब सवाल पूछने जा रहा हूँ, अगर जवाब आए तो तुरंत बोलें, वरना ये बजट दबा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। पहला सवाल, चाइना किस देश में है? टाइम ओवर। दूसरे सवाल। हाँ बोल भाई बोल। 15 अगस्त किस डेट को आता है? क्या बोल रहा है? टाइम ओवर। आगरा का ताजमहल कहाँ है? कौन बोल रहा है? गंदी बात नहीं, बर्थडे अमिताभ बच्चन का है। अरे हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे आगे। हाँ, ग्रीन रंग किस कलर का होता है? क्या पूछ रहा है? सुन रहा है नहीं, कुछ समझ रहा है क्या? कौन समझ नहीं आ रहा? अगला सवाल, जल्दी जवाब देना तुरंत। टमाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे भाई अच्छा सॉरी, मत करियो। आखिरी दो सवाल भाई, जल्दी पूछ। आखिरी दो सवाल, नंबर वन। हाँ बोल भाई। एक और एक तीन कैसे होता है? मुझे क्या पता कैसे होते हैं। अच्छा, एक और एक तीन गलती से होते हैं। गलती से पैदा नहीं हुई। मतलब आखिरी सवाल ये बताइए कि जो जो कौन है? जो 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 भाई, जो कौन है? मैं बताऊँ कौन है? हाँ बता, तू बता। तैयार सुनिए, जो मुझसे। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैच आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं, बात करा कर। सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा था, मैंने कहा। अच्छा कटने का काम कर रहा था। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैच आती है नहीं आपको। अबे गायब उम्र रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मर जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मर नहीं। 3-4 सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी है, मैंने 2 इसको दे दी, 3 उसको दे दी और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो 1 भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, जल्दी बोल, मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला। नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं क्यों, मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 फूटे तो 170 कैसे? गलत बोल रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। अच्छा। रेड FM मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 11, सुपर हिट्स 93.5 रेड FM, बजाते रहो। कौन? मैं अंकिल बहुआ बोल रहा था। जी कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बहुआ। अरे बहुआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने नोकिया फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप भी आया था?
भाई साहब मैं सोचा आपको भी पूछे शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हो? ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 की 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। एक सेकेंड, इस बार एक बार वापस, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, 11 ठीक है। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। केले और हाथी दोनों साले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकेंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा देना, फॉरवर्ड करूं तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा। हेलो, ये प्रकाश? हाँ प्रकाश, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ पूरा नाम प्रकाश तिवारी। कौन बोल रहे, कहाँ से? एक सेकंड, प्रकाश तिवारी पूरा नाम है ना? नहीं कुछ नहीं, बैंक में खड़ा था, अभी तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रूपए कैश डाल रहा हूँ। ये प्रकाश तिवारी पूरा लिखे, PRA डालिए इसके अकाउंट में 25,000 रूपए। एक मिनट, सुनो मेरे पास रूपए डालिए इसके अकाउंट में। अरे 25,000 डाल यार अपने, इसमें डाल 25,000, क्या मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहा है? 25,000 की पूरी गड्डी। सुनो यार, तुम किससे बात कर रहे हो? मैनेजर से पहले मुझसे बात करो, बिना पूछे तुम मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहे हो? सही है, 1,000,000 की गड्डी इन्हीं के अकाउंट में, इनके अकाउंट में प्रकाश तिवारी का अकाउंट में क्यों डाल रहे यार? मुझे फंसा रहे हो। अब देखो, तुम्हारे अकाउंट में डाल रहा हूँ 25,000 रूपए, 1,000,000 के नोट है, ठीक है, बड़े तरह इतना डाल दीजिए इनके अकाउंट में। पैसे अकाउंट डाल डालिए, आप इनको बकवास करने दीजिए। डालिए, हमारे अकाउंट में पैसे डाल ना, तुम्हारे बैंक में घुस कर तुम्हारे दिमाग खराब हो रहा है। मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है? मैडम आप इसका मत सुनिए, 25,000 रूपए डालिए, ये 1,000 रूपए डाल दीजिए। मैडम तुमको, तुम अपना एड्रेस बताओ हमको, वो गैस मार के रख देगा कि तुम्हारे दिमाग खराब कर दिया है। अरे डालिए, अगर मैं तुम्हारी तुम्हारे भैया पैसे डाले डालिए इनके अकाउंट में, ये जो फोर्स शुरू डालिए। अगर गलती से हमारे अकाउंट में 500 या 1,000 के एक दिन हो गए ना, डालिए ना मैडम, पैसा डाले कब से? मैडम मैं बात सुनिए, मैं इसको नहीं जानता कौन है, ये मेरे अकाउंट में पैसा डाला मैडम, मत डालिएगा अकाउंट में। डालिए तुम सारे ये पना जो दिखा रहे हो ना, तुम्हारे बहुत देर से देख रहा हूँ, और तुम सारे मैं तुम्हें जानते हो, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, तुम क्या मैं सारे तुम मेरे अकाउंट में क्यों डाले? डाल दीजिए, डालो 25,000 रूपए अभी। पढ़ा लिखा आदमी कैसा आदमी, अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता हूँ, अभी डालो इसके अकाउंट में 25,000 डालो इसके अकाउंट में। डालिए मैडम इसके अकाउंट में अभी 25,000। अकाउंट में 25,000 अभी डाल दीजिए, ये बहुत इतना था यार, तुम इसके डाल दीजिए, इसके डाल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, नहीं डाल रहा कोई पैसे यार। हेलो भाई, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, मुझे तो नंबर दिया था आपको किसी का, कहा था मुर्गा बनाने के लिए, कोई नहीं डाल रहा आपके अकाउंट में पैसे। हेलो कौन बोल रहे? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भाई। मैं नंबर कौन दिया आपको? आपका नंबर सुमंत ने दिया था आपको। यार आप लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग यार, यहाँ पहले से ऐसी तली लगी पड़ी है, पड़ी ऊपर से आप ऐसे मजाक करते।